असफलता बहुत ही चालाक और मजाकिया किस्म की होती है। इसे लोगों को गिराने में तभी मजा आता है जब सफलता के बिल्कुल बड़ी एनर्जी के साथ ये आदमी ना खुदाई करता है। जब ये करीब आ गया था बिल्कुल यहां से निकल गया है ना। कई लोगों को मैं देखा जब जाना चाहिए था तब जिंदा रह गया और जब जिंदा रहना चाहिए था तब चला गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे, कई लोग ऐसे मिलेंगे। बस मैं यही चाहता कि आप भी वैसे हो। समझ आ गया? कल दिन फिर हम आपकी भी ऐसी कहानियां सुना। तो भाई एक चीज आपको समझने की जरूरत है, सफलता ऐसी होती है आपके साथ आंख बचाने वाला खेल खेलिए। बस आपको अपने आप को टिका के रखना है, मजबूती के साथ खड़े रहना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। बस वो कंधे से कंधा मिला के अपलाइन के साथ मिलकर काम करना है। करोगे भाई? ऐसा ना हो मायूस होकर यहां से आप निकलो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये ज्यादा ज्यादा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना? ये आखिर है क्या, वो मैं बताता हूं आपको। 60% लोग इस बिजनेस को अपने अप्लाई का बिजनेस मान, पर कई लोगों ने इसी चक्कर में बिजनेस छोड़ दिया। सब मेहनत कर रहा उसका पैसा। अरे भाई अगर एक चीज सोच रहे हो यार, आज मैं पैसा कमाऊंगा, अगर आज मैं पैसा कमाऊंगा तो मेरे वजह से ना बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। समझ आ गया? मेरी वजह से, क्योंकि जब मैं पैसा कमाऊंगा तो जाहिर सी तौर पे मेरे तौर तरीके भी बदलेंगे जीने के, मैं अच्छा खान पीन भी करूंगा। समझ आ गया? सारी चीजें अच्छी होंगी तो मेरी वजह से कपड़े वाला भी कमाएगा, जूते वाला भी कमाएगा, सही कह रहा नहीं कर रहा? धोबी भी कमाएगा, हलवाई भी कमाएगा, दूध वाला भी कमाएगा, सब कमाएगा। तो भैया यही जो जीवन है, समझा रहा क्या? आज अमेरिका इसीलिए तो नंबर वन है, वहां के लोग बढ़िया से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, 60% लोग इस बिजनेस को अपने अप्लाइंग का बिजनेस मानते हैं। 60% उन्हें लगता है अप्लाइंग का। अरे जब आपने सोच ही लिया कि अप्लाइंग का बिजनेस है फिर तो है ना, आप जैसा सोचोगे आप वैसा होंगे, क्योंकि इंसान जो बोता है वही वो काटता है। समझे नहीं समझे बात? 20% लोग इसे अपने टीम का बिजनेस मानते हैं। वो इतना नालायक होते हैं, वो सारा का सारा टीम के ऊपर छोड़ देते कि टीम करेगी जो करेगी जैसा करना है वो टीम का काम। अरे भैया बिजनेस टीम का नहीं है, टीम अपनी जिम्मेवारी निभाएगी, हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो बहुत सारे लोग हैं जो 7% वाले हैं, कुछ 20% वाले लोग हैं, और 20% लोग ऐसे होते हैं जो इसे क्या मानते हैं, खुद का बिजनेस। जब हम लोग बिजनेस में आए थे, शशिकांत शर्मा को अच्छे से याद होगा, शुरुआती दौर पे हमने कभी ये सोच के काम नहीं किया कि यार हमारी वजह से किसके चर बन गए। हम लोग सच्चे मन से, श्रद्धा से, लगन से अपना बिजनेस मानते थे, खुद पागलों की तरह काम करना था। हमने तो भैया ऑफिस के दर्शन भी हम तो 2-3 साल में कभी एक बार होता है। समझ आ गया? 1-2 बार कभी ऑफिस देखने का मौका मिलता था, 7-2 साल में सोचने वाली बात है, हम सिर्फ काम करते। तो वही 20% में हम लोग आए थे जिन्होंने इस बिजनेस को अपना माना। तो आप किस श्रेणी में आते हैं ये आपको कहता है। समझे समझे बात? नहीं तो बुला जाओगे मेरे दोस्त। पावर ऑफ शो देता है। हमें बार बार एक चीज सोच रहा था कि कान दिखाइए, कान दिखाइए। इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है कि मैंने 1200 लोगों को कान दिखाया, 900 लोगों ने मना किया, 300 लोगों ने हाँ कहने वाले 300 लोग थे, 85 ने कुछ कार्यवाही की, 85 में सिर्फ 35 लोग काम के प्रति संजीदा थे और उनमें से 11 लोगों ने ही मुझे क्या बना दिया। लेकिन उसमें काम के बहुत कम निकले। तो इसलिए आपको चीजों को समझना है कि आदमी को इन 11 लोगों तक पहुंचने के लिए 1200 लोगों को जुगाड़ना पड़ा था। समझा? यस सर। 11 लोगों तक जो इसको करोड़पति बना रहे थे उनको ढूंढने के लिए कितने लोग झांके करे? 1200 लोग।
समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो वही चीज आपको करनी है, प्लान दिखाने हैं, ज्यादा प्लान दिखाने हैं। आप लोग चार प्लान दे गई अपने अपने जो दिशा है उसी को बदल देते, चार लोगों ने मना कर दिया आप उसी में घबरा जाते। मेरे दोस्त, हमारा काम है प्लान दिखाना, ज्यादा प्लान दिखाएंगे ज्यादा कमाएंगे, जो प्लान नहीं दिखाएगा वो नहीं कमाएगा। सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है, सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि फील्ड में जाके क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लान दिखाने पड़ेंगे ना कि नहीं पड़ेंगे, प्लान दिखाने पड़ेंगे यार। हम लोग प्लान नहीं दिखाते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सपने देख रहे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे। अगर सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास मतलब प्लान दिखाने पड़ेंगे। दिखाओगे? नेक्स्ट, ये क्या दिख रहा है? सेल्स जॉब भी जिम की तरह है। बहुत सारे लोग आते हैं जो साइन अप करते हैं, मेंबर बन जाते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाता है, छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो निरंतर मेहनत करते हैं। कितने लोगों ने जिम किया है? ठाकुर दो महीना गया फिर छोड़ दिया। देखो, एक हमारे पास एक जटा हुआ है, और कोई है? शशिकांत ने किया है। कितने दिन किया? चार दिन क्या छोड़ दिया ना, तीन दिन में छोड़ दिया। और कोई आके जिम गया? रोहित सर भी गए थे, शर्मा मोदी भी गए थे, इन्होंने भी थोड़े दिन बहुत मेहनत किया। लेकिन होता क्या है ना, जब जिम जाओगे ना, जिम की बहुत खूबसूरती है, जब आदमी जिम जाता है तो शुरू शुरू में पूरे अस्थि पंजर जो होते हैं ढीले हो जाते हैं, दर्द होता है। समझ आ गया? बस वही जो दर्द आदमी जो सहन कर गया वो आदमी बॉडी बनाएगा, जो वो दर्द नहीं सहन कर पाया वो आदमी जिम छोड़कर चला जाए। यही चीज है, और यही बिजनेस में कि शुरुआती तौर पे ही दर्द मिलता है। जो उस दर्द से लड़ गया वो आदमी डायमंड बनेगा, जो उस दर्द से भाग गया वो आदमी नॉर्मल जिंदगी जिएगा। बस यही फर्क है जिम में और सेल्स जॉब में। समझ आया क्या? तो अभी एक सर्कल मैं आपको दिखा रहा हूं, तो जो आदमी जैसे जिम अभी दिखाया था कि ज्वाइन हो गया, तो ज्वाइन होने के बाद हमारा क्या काम है, क्या करना है? सबसे पहले लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है? इनविटेशन होना चाहिए, उसके बाद प्लान दिखाना है, उसके बाद फॉलो अप करने हैं, उसके बाद फ्यूचर एंड फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, उसके बाद फ्राइडे को बीमार क्लोजिंग हो जाते ना वाले, फ्राइडे को कोर्ट पेंडिंग करनी करोगे? ये क्या है? समझ आ गया? ये एक चक्कर है। ये क्या है? ये चक्कर है। टायर देखा है गाड़ी का? यस सर। जब वो टायर घूमता है ना तब आगे जाते हैं। बस ये रेगुलर घूमना चाहिए। कितने लोगों के बिजनेस में घूमता है ना, कितने लोगों की टीम में अगर ये चीज रेगुलर हो रही है, उसका बिजनेस बढ़ेगा, उसका बिजनेस लगातार बढ़ता जाएगा। जिसके बिजनेस में, जिसकी टीम में ये चीज रेगुलर नहीं हो रही है, उसका बिजनेस वहीं का वहीं ध्वस्त हो जाएगा। किसको बढ़ाना है? किसको बढ़ाना है बिजनेस? किसको बढ़ाना है अपना धंधा? किसको? तो भैया ये सर सर समझ आ गया? आज के बाद ये करोगे, लिस्ट बनाओगे, इनवाइट करोगे, प्लान दिखाओगे, फॉलो भी करोगे, फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे और कोर ट्रेनिंग करोगे। बस ये एक सर्कल है, ये निरंतर घूमते रहना चाहिए। घड़ी जब चल रही होती है ना, मैंने ना घड़ी से एक चीज सीखी, मैंने क्या सीखी, मतलब बड़े बुजुर्ग ने मुझे सिखाई कि रुकी हुई घड़ी घर में नहीं होनी चाहिए। मुझे समझ आ रहा है ये घड़ी क्या है, समय तो वैसे चल रहा है, घड़ी तो रुकी है, क्योंकि वो घड़ी घड़ी नहीं है, वो मेरा समय बता है। समझ आ गया? और ये वही है कि ये चक्र रुकना नहीं चाहिए। जिसका ये चक्र रुक गया वो घनचक्र बन के घूमता रहेगा, उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा।
लेकिन जिसका ये चक्र चलता गया वो इंसान दुनिया में राज करेगा। मेरे दोस्त, ये सेम चक्र उसको करोड़पति भी बनाएगा और उसको अरबपति भी बनाएगा। बस इस चक्र की ताकत को समझना, इस चक्र की ताकत को जो इंसान समझ गया वो इंसान दुनिया में हर सपने पे राज करेगा। तो आज के बाद इस चक्र को याद रखो, चाहे तो फोटो खींच लो, चाहे तो भैया ऐसे याद रख लो, लेकिन ये चक्र कभी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है? और क्या करना फिर? बस टीम में भी सेम चीज होनी चाहिए, होगा ना? क्योंकि बिजनेस हमारा डुप्लीकेशन है। नेवर गिव अप, कब तक? जब तक डायमंड ना मिले। कब तक? जब तक क्या ना हो जाओ डायमंड ना मिले। समझ आया? बस एक बार डायमंड हो गया ना, फिर उसके बाद अपने आप ही रुक हो गया, क्योंकि एक नशा है, पैसा भी एक नशा है। समझ आ रहा है? नशा है, इसलिए इस नशे से बस थोड़ा सा अपने आप को पहले आदमी बना दो, उसके बाद आपकी मजबूरी हो जाएगी पैसा कमाना। समझ आया नहीं? फिर आप दूसरों को देखो, अरे उसके पास ये गाड़ी आ गया, मेरे पास भी आना चाहिए, उसका बच्चा इतने अच्छे स्कूल में चला गया, मेरा भी जाना चाहिए, उसकी बीवी के पास ये सोने का लेना है, मेरी बीवी के पास भी होने, फिर वो कॉम्पिटिशन आता है। समझ आया नहीं?